नमस्कार दोस्तों, करियर विज़न की जो YouTube क्लासेज है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो ये सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के करण जीके के ऊपर, ठीक है ना। जो हमारे बंधु जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनका पटवार और कांस्टेबल की जो परीक्षा आ रही है उनके लिए बहुत उपयोगी सेशन रहेगा आज अपना। ठीक, तो अपन चर्चा चालू करते हैं। देखो, पहला सवाल यह है कि 28 मई 2020 को प्रदेश की कितनी मंडियों को ई, या ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई नाम दिया गया है, या राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत इस परियोजना में जोड़ा गया है। तो कितनी मंडियां हैं? 10, 11, 14, 15। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों 10, ठीक है ना। 10 मंडियों को जोड़ा गया है। इस सरकार ने, राज्य सरकार ने दो क्लस्टर तैयार किए इसके लिए, दो क्लस्टर है तैयार किए। पहले क्लस्टर यानी क्लस्टर का मतलब फेज, चरण। तो पहले चरण में कोटा, कोटा मंडी, 12 मंडी, इसके अलावा कोटा, 12, रामगंज, रामगंज के अलावा बूंदी, देवली, 3, 2, 5 हो गई। ये मंडी थी पहले क्लस्टर में। तो सेकंड क्लस्टर में शामिल की गई थी मंडियां, उसमें से हैं नागौर, बीकानेर, बीकानेर, मेड़ता और श्री गंगानगर और जोधपुर। जोधपुर, तो इस तरह से 3, 2, 5 ये हो गई। तो ये 10 मंडियां इस पहले पायलट प्रोजेक्ट में शामिल की गई। अब आपको जैसे भावताव देखने हैं या अपनी सामग्री कोई भी उसको सैंपल दिखाना किसी को, तो आपको वहाँ मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन हो जाएगा सारा काम। ताकि ये COVID-19 के चलते वहाँ मंडी में जो भीड़ भाड़ होती है, संक्रमण की जो आशंका होती है, वो इससे कई हद तक कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से दोस्तों ई नाम परियोजना के तहत कितनी मंडियों को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 10 मंडियों को, ठीक है। तो एक सवाल हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए। अगला सवाल, 18 मई 2020 को राज्य सरकार ने नवजात बालिकाओं को किस प्रकार के किट वितरण का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन ए के इंदिरा प्रिय दर्शनी किट, दूसरा है प्रिय दर्शनी दर्शिनी बेबी किट, तीसरा सोनिया बेबी किट और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। देखो, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए, देखो और बात हो जाओ, एग्जाम की बात करता हूँ, जिसमें उपरोक्त सभी आ जाए तो एक बार दूसरे ऑप्शन भी देखा करो। अगर आपको लगे कि दूसरा कोई किसी और ऑप्शन में थोड़ा मिसमैच हो रहा है ना, तो फिर चौथा भी कैंसिल है। जब ये कैंसिल हो सकता तो ये तो कैंसिल ही है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। अब लड़ाई इन दोनों में रही। तो इंद्रिया इंदिरा प्रिय दर्शनी किट, ये कैंसिल, ये नहीं है। सही क्या जाएगा? ये जाएगा प्रिय दर्शनी बेबी किट दिया गया था। देखो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे राजस्थान में एक परंपरा ऐसी है कि जैसे नवजात जो बेबी होता है उस नवजात बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। अब ये इसके पीछे लॉजिक क्या है वो इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। नए कपड़े नहीं पहनाने से उस नवजात बेबी में एक संक्रमण हो जाता है, और उस संक्रमण है दोस्तों जिसका नाम है हाइपोथर्मिया।
ये संक्रमण हो जाता है, और इस संक्रमण की वजह से उनके बच्चे के जो है ना, जैसे ये जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाले हैं, बगल वाले हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ चमड़ी में कट लगना चालू हो जाता है, जैसे गले में यहाँ पे है, इस तरह के कट लगना चालू हो जाता है, फिर बाद में इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता एक बार जानलेवा हो सकता है, इससे बेबी मर सकता है। तो इसलिए 18 मई 2020 को राज्य सरकार ने ये किट देना या किट का वितरण शुभारंभ किया, इसका शुभारंभ किया था। और सबसे पहले इस योजना का जो शुभारंभ किया था, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान पे किया था, और सर्वप्रथम जनाना हॉस्पिटल जयपुर में इस योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान से किया। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? अच्छा, सर्वप्रथम जनाना हॉस्पिटल जयपुर में, जयपुर से पिंक बेबी किट का वितरण किया गया, तो इस तरह से ये योजना थी। अगली बात दोस्तों, एक मैसेज ऐसा आया है कि इससे जो पहले वाली क्लास हमने ली, उसमें हमने एक संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सुरक्षा परिषद के बारे में चर्चा की। तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, उसकी स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक यूएसए के बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए थे, जिनका नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा कि दुनिया का सबसे कठिनतम काम है, वो है पढ़ाना। सबसे कठिनतम काम पढ़ाना है। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके घर पर कोई श्रमिक आता है, और श्रमिक पूरे दिन से काम कर रहा है, और पूरे दिन से काम हो करते करते शाम होते होते उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो माफ़ी योग्य है। कि यार, अपन सोचते चलो यार, पूरे दिन बंदा सही काम कर रहा था, शाम को मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, हो सकती है। लेकिन एक मास्टर अगर पूरे टाइम सही पढ़ा रहा है, लास्ट में एक मिस्टेक हो जाती, तो वो माफ़ी योग्य नहीं होती दोस्तों। ठीक है ना? तो सबसे कठिनतम काम है, और उनका एक स्टेटमेंट दुनिया में बड़ा प्रचलित है, इंसान मानव एक गलती का पुतला है, ये भी बात उसने बोली है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, इससे पहले वाली जो क्लास थी, शायद उसका पहला ही क्वेश्चन होगा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सुरक्षा परिषद का, जिसकी स्थापना की जो मेरे से डेट थी, वो बाई मिस्टेक 1949 हो गई है, इसको काटना और 1945 सही कर लेना। ठीक दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिनतम काम कराऊँ, गलती होना स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया बात है जो आपने इसको मेरे को अवेयर कराया, और मैं वापस ये करा रहा हूँ, जिसने भी अवेयर कराया बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं अगली बात करता हूँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 मई 2020 को केरल के मुख्य सचिव बनने वाले राजस्थान निवासी आईएएस अधिकारी कौन है, या आईएएस अफसर कौन है? डॉक्टर अलोक, डॉक्टर के मोहंती, तीसरा डॉक्टर विश्वनाथ मेहता, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये कहीं आपने सुना होगा इस तरह का, ये भी अखबार की सुर्खियों में थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विश्वास मेहता। ठीक है ना? डॉक्टर विश्वास मेहता मूल रूप से डूंगरपुर के रहने वाले हैं, मूल रूप से
डूंगरपुर जिले के, ठीक है ना, और 1986 बैच के आईएएस अफसर है, 1986 बैच के आईएएस है, ठीक है ना, डॉक्टर विश्वास मेहता। 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कितनी की, ये कहीं पढ़ने में आया होगा, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो दोस्तों देखो इसको कहीं पढ़ने में आया क्या आपके, कोई दिक्कत नहीं, इसका सही आंसर है अपने 2.5 लाख, ठीक है ना। तो अब जो गरीब बच्चे हैं वो एडमिशन लेते थे जो ये प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें, तो उसमें 25% अनिवार्य है, लेकिन क्या योग्यता होनी चाहिए कि उनकी माता पिता की या परिवार की जो टोटल आय है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अब ज़्यादा हो गई है, तो इस हिसाब से अपने को यह आंसर देना कि अब 2.5 लाख आय हो गई है, 2.5 लाख जिसकी आय है या 2.5 लाख या इससे कम आय है वही व्यक्ति ये प्रवेश दे सकता है, इससे अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकता है, इसकी अलग से लॉटरी निकलती है वो उस हिसाब से होता है। चलो अगला क्वेश्चन, 24 मई 2020 को प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय लाइजिंग अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अश्विनी लोहानी, रुक्मैया मीणा, ये दोनों सही है क्या या सब गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कहीं सुनने में आया होगा, ये भी बड़ा हेडलाइन रहा अखबारों में तो आपको ध्यान होगा, इसका सही आंसर है रुक्मैया मीणा। दोस्तों ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये इलाहाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ अधिकारी है, इलाहाबाद रेलवे मंडल में वरिष्ठ अधिकारी है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इस कोरोना काल के अंदर यानी लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता संबंधी सारे दिशा निर्देश इसने दिए, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अलग से या जो खानाबदोश लोग हैं उनके कई व्यवस्था नहीं हो पाती है क्वारंटाइन वगैरह की, तो उनको अलग से क्वारंटाइन करवाया, इस तरह के इतने सारे काम कराए कि इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा। तो दोस्तों ये इनकी खास बात है। अगली बात, अट्ठाईस अप्रैल 2020 को राजस्थान में बनी किस फिल्म को अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से नवाजा या सिल्वर अवार्ड उसको मिला, चिड़ी बल्ला, टाइटल, अंधाधुन या ये सभी। तो दोस्तों ये हिंदी फिल्म है, अंधाधुन जो है ये हिंदी फिल्म है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी खत्म, लड़ाई रही दोनों में, टर्टल भी चर्चित मूवी है और चिड़ी बल्ला भी चर्चित है, तो अभी यहाँ दो ऑप्शन तो अपने कैंसिल हो गए, तीसरे ऑप्शन पर चर्चा करने की कौन सा करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिड़ी बल्ला, ठीक है, चिड़ी बल्ला जो है इसके निर्देशक जो है चिड़ी बल्ला के वो देख लो एक बार, निर्देशक है राधेश्याम पीपलवा, निर्देशक राधेश्याम पीपलवा इसके निर्देशक है, ठीक दोस्तों, चिड़ीवाला। और टर्टल फिल्म भी बड़ी मानी हुई फिल्म है, इसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित,
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला हुआ इसको, टर्टल को भी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी दो फिल्म है, लेकिन इस सवाल का आंसर ये है। ठीक, नेक्स्ट। 16 मई 2020 को राज्य सरकार ने कितने सरकारी कार्यक्रमों को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया? फ्लैगशिप यानी योजना कितनी शामिल है, 20, 19, 10, 15, 5? तो इसका सही आंसर कहीं सुना होगा आपने, जिसको सरकार प्रमुखता से लेगी फ्लैगशिप का मतलब। तो इसमें ये 19 है दोस्तों। अब 19 योजनाएं कौन कौन सी है, हालांकि ऐसा तो सवाल नहीं आया, तो सवाल तो इसी कैटेगरी का आता है, फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो 19 योजना कौन सी जो फ्लैगशिप में शामिल की गई है। तो ये मैंने आपको एक PDF बना दी यहाँ पे, तो आप जब भी इसकी PDF देखोगे तो आपको ये 19 योजनाएं दिख जाएगी। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, ये ध्यान रखना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 रुपये किलो गेहूं योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, मुख्यमंत्री 8वें नंबर की यहाँ नीचे आ गई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या इसका एक नाम और आता है मुख्यमंत्री हतलेवा, है ना, ये ध्यान रख लेना थोड़ा, क्योंकि कई किताबें मुख्यमंत्री हतलेवा लिख रही है और कई सारी में कन्यादान लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। सिल्कोसिस पॉलिसी 2019 के तहत देय लाभ योजना, सिल्कोसिस दोस्तों एक बीमारी होती है जो ये जो पत्थर से संबंधित काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, तो उनके फेफड़ों में बारीक बारीक जो पत्थर का कण है वो जाके जम जाते हैं, एक टाइम ऐसा कि फेफड़े लगभग जाम से हो जाते हैं, तो उनको भी हमारी राज्य सरकार क्या करती है, इस योजना में उनके लिए अलग से योजना बनाई है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, उनको पेंशन मिलती है और कई भांति भांति के लाभ उसमें दिए जाते हैं। तो सिल्कोसिस पॉलिसी 2019 के तहत देय लाभ योजना। 10वीं है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। 11वीं है पेंशन योजना। देखो, ये पेंशन है ना, वो कौन सी है, वो वृद्धा पेंशन वाली बात ही है, ठीक है ना। 12वीं है पालनहार योजना। 13वीं है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। और 14 है मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम योजना, या स्कीम एक ही बात है। 15वां है MSME एक्ट के तहत स्व प्रमाणीकरण योजना। 16वीं है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। 17 नंबर पर जन सूचना पोर्टल। 18 पर जन जन आधार योजना। और 19 पर मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। तो ये आपको PDF मिल जाएगी बनी बुनाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 19 योजना हमारी। अगला सवाल, अगला ये है कि प्रदेश की महिला तैराक जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऑन्ड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऑन्ड्रे स्कॉट जो पुरस्कार है दोस्तों, ये दिया जाता है तैराकी के क्षेत्र में, तैराकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन है, भक्ति शर्मा, गौरवी सिंघवी, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उड़नप्री तो इसको भी कहते हैं, इसका संबंध भी उदयपुर से है, और एक उड़नपुरी ये भी है। तो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, लड़ाई रही दोनों में, अब दोनों में से कौन सा, ये भी उदयपुर से है, ठीक है। पर हमारे इस सवाल का आंसर है ना, ये प्रदेश की महिला, यहाँ एक शब्द आना चाहिए हाल ही में, हालांकि ये पुरस्कार का नाम आ गया, वो इसी को ही मिला था, तो हमारा इसका तो आंसर ये जाएगा, गोरबी। लेकिन भक्ति शर्मा को भी उड़नपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो, इसने ना 30 दिन में 30 दिन में इंग्लिश चैनल पार किया था, चैनल तैर कर पार किया, तैर कर पार किया दोस्तों, बहुत कठिन काम है, पार किया।
तैर कर पार किया। बहुत कठिन काम है। टेम्परेचर 60 डिग्री 5 डिग्री के आसपास रहता है। इतना ठंडा पानी और इतने ठंडे पानी में तैर करके उसको पार करना बहुत कठिन है, तो इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। इसका संबंध उदयपुर से है और इसका भी इस पर ये पुरस्कार में अगर आप पूछे इस तरह का तो सवाल सही यही जाएगा अपना। ठीक है, अगली बात। 2 मार्च 2020 को जयपुर में आयोजित 7 दिवसीय महिला शक्ति सप्ताह के उद्घाटन समारोह के दौरान राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें सही आंसर जैसे एक ऑप्शन नंबर 1 रुमा देवी, दूसरा कांचन देवी, तीसरा अनुपमा सोनी, सभी। तो ये कांचन देवी नहीं है, ये नहीं तो फिर ये भी नहीं, लड़ाई हो गई दोनों में। तो इसमें से महिला शक्ति पुरस्कार से जो नवाजा गया वो रूमा देवी को नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन रूमा देवी। अब देखो दोस्तों, ये रूमा देवी है ना, रूमा देवी की बात करते हैं, तो रूमा देवी इसका संबंध मंगला की बेड़ी गांव मंगला की बेड़ी गांव बाड़मेर से है। ठीक है ना, मंगला बेड़ी गांव बाड़मेर से इसका संबंध है। दूसरी बात दोस्तों, इस महिला ने 75 गांवों की 20,000 महिलाओं को 75 गांवों की 20,000 महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया इस महिला का। और ये क्या करती है दोस्तों, वो हैंडीक्राफ्ट वाले जो काम है वो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो काम है इसके। तो कई आपने रूमा देवी का नाम तो कोई छुपा हुआ नहीं है, अनपढ़ महिला है, लेकिन 20,000 महिलाओं को इसने आत्मनिर्भर बना दिया वो एम्ब्रॉयडरी के काम से। तो इस तरह से ये अनुपमा सोनी जो है दोस्तों, ये राज्य के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। एम्बेसडर है। ठीक है ना, अनुपमा सोनी। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की दोस्तों इन क्वेश्चनों के ऊपर। राजस्थान का सेशन था। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इसमें कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं इसका आंसर दे सकूं। और तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।